हेलो गाइस, आप देख रहे हैं भक्ति चैनल। भक्ति चैनल में आपका सबका स्वागत है। मैं आपको आज बताने वाला हूँ माँ की सेवा करते समय माँ से क्षमा कैसे मांगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि माँ से क्षमा मांगना जरूरी है, क्योंकि आप हम और आप एक इंसान हैं, इंसानों से ही गलती होती रहती है कुछ ना कुछ। तो माँ से क्षमा मांगे, माँ क्षमा मांगने से प्रसन्न होगी, दयावान दयावान बनी रहेगी, माँ दया की दृष्टि से देखती रहेगी और आपके पास ऊपर आशीर्वाद बनाए रखेगी। क्योंकि संसार में एक माँ ही एक ऐसी है जो क्षमा कर देती है। और सबसे आना माँ की पूजा करें और उनकी आराधना करें और उनका नाम जपें, क्योंकि माँ की नाम जपने से ही माँ प्रसन्न रहती है। और सुबह शाम उनकी पूजा करें और गलतियाँ कम से कम करें। गलतियाँ कम से कम करोगे माँ उतने ही जल्दी आपको दर्शन देगी और आपसे बात भी करेगी और दया की दृष्टि बना के रखेगी। चलो मैं ये आपको बताता हूँ क्षमा कैसे मांगे। क्योंकि माता रानी से क्षमा मांगने के लिए कोई हरे कोई नहीं जानता है कि माँ से क्षमा कैसे मांगी जाती है। तो मैं आपको क्षमा मांगने का एक मंत्र भी बताता हूँ माँ से क्षमा कैसे मांगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, कमेंट कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलें और सब्सक्राइबर कर लेना। क्योंकि मैं कोई भी नया वीडियो डालता हूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आपको जानकारी मिले। क्योंकि जानकारी भी एक संसार में लेना बहुत बड़ी बात है। ज्ञान हर एक कोई किसी को नहीं देता है, ज्ञान भी लेना जरूरी है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्षमा याचना। पनवेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, यह मेरा दास है, ऐसा समझ कर उन अपराधों को तुम कृपा पूर्ण क्षमा करो। पनवेश्वरी, मैं आवा नहीं जानता, शिव शिव विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो देवी सूरेश्वरी सूर्यवसरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तहीन पूजा पूजन किया है वह सब आपकी दया का पात्र हूँ। जैसा चाहो चाहो करो देवी पनवेश्वरी, अज्ञान से भूल से अथवा बुद्ध भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न प्रसन्न हो। सचिव दानंद रूपा पनवेश्वरी जगदम्बा जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझे पर प्रसन्न रहो। भाई, ये मंत्र है माँ से क्षमा मांगने की। और थोड़ा क्या है, मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं क्योंकि कभी कभार मैं अटक जाता हूँ आपको बताने में। तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा उसको रिवर्स कर देता हूँ और
इस मंत्र को आप जाप करते रहिए, आप सीख लो या दुर्गा पा सरस्वती से भी आप इसको पहले पेज पे ही, ये क्षमा का पाठ है तो इसको आप पढ़ते रहिए और क्षमा मांगते रहिए और पूजा करते रहिए। जितनी आप सेवा करोगे उतना आपको फल मिलेगा। चलो, मैंने जो जानकारी थी मैंने आपको बताई है, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माता रानी मुझे भी माफ करे, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ। जय माता दी, जय माता दी। वीडियो में बने रहे आप।